बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप तमाम अब खैरियत से होंगे। अफगान न्यूज़ अपडेट के साथ शुजात हुसैन शाह। अमेरिका ने अमेरिकी फ़ौज के अफगानिस्तान से मुकम्मल इनखला के बाद पहली मरतबा कमर्शल परवाज़ के ज़रिए अमेरिकी शहरियों के इनखला में मदद करने पर तालिबान की तारीफ़ की है। अमेरिकी हुकाम का कहना है कि तालिबान ने हमेशा पेशावराना रवैया अपनाया। APC के मुताबिक कतर एयरवेज़ के दोहा के लिए परवाज़ को एक अहम पेशरफ्त के तौर पर देखा जा रहा है। एक सीनियर अमरीकी अहदेदार ने नाम जाहिर न करने के शर्त पर बताया कि तालिबान के दो सीनियर अहदेदारान मुसाफरों और तैयारी की रवानगी में मदद की। अमरीकी अहदेदार का कहना था कि तालिबान के इकतदार में आने के बाद काबुल से परवाज़ करने वाले पहले कमर्शल तैयारे में अमरीकियों के अलावा जर्मनी, कैनेडा और इंग्लैंड के शहरी भी सवार थे। आज नई अफगान हुकूमत के एक आला सतह अजलास में मुल्क के नए वज़ीर दाखला और अकानी नेटवर्क के मरकजी रहनुमा सराजुद्दीन अकानी को मुतारफ़ करवाया गया। याद रहे कि मसूद दहशतगर्द के तौर पर अमेरिका की अनतहाई मतलूब अफराद की फहरिस्त में शामिल हैं और उनके सर पर अमेरिका की तरफ से इनाम भी मुकर्रर है। पहले सोवियत यूनियन के खिलाफ जंग में और बाद में अमेरिका व नेटो के खिलाफ जदोजहद के अहम करदार जलालुद्दीन अकानी के छोटे भाई हैं। अभी तक तस्वीर को पसंद नहीं करते। अकब से एक तस्वीर आज अफगानिस्तान सोशल मीडिया पर गर्दश कर रही है। तालिबान ने इस हवाले से सख्त बर्मी का इजहार किया है कि दो अक्वामे मुत्तहिदा के माहदे के मुताबिक अमेरिका को जल्द अज जल्द अकानी नेटवर्क को ब्लैक लिस्ट से निकाला जाए। अफगानिस्तान की हर खबर से बखबर रहने के लिए यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।